क्या ये ब्लैंकेट है? हमने ऊपर से देखा आपको गीले थे, आप ठंड लग रही थी आपको, तो सोचा आप ब्लैंकेट दे दें। थैंक यू, लेकिन हमें कोई थैंक यू नहीं। ये हमारी पत्नी है, और इनको छूते ही ना हमारा तापमान सही हो जाता है और दिमाग भी सही तरीके से काम करने लगता है। बेफालतू में घुसने की कोशिश मत करो। चले चले चले, नहीं अंदर चलते, चलिए अंदर चलते। तुम्हें तुम्हें हड़बड़ी में कंबल लेके कहाँ भाग रही थी गुड़िया? क्या हुआ गुड़िया, ये मुंह लटकाए काहे बैठी हो? हाँ, ये समझता क्या आपने आपको? रणबीर कपूर है? अरे नहीं रहना यार हमें इस झोपड़पट्टी में, नहीं रहना था इसकी बीवी बनकर। और मोमो ये सब हमेशा इतने सेंटी क्यों रहते हैं? ने मान लो ना यार तुम्हारा परिवार गधा है, हम लोगों ने इन्हें उल्लू बनाया था और भाग गए थे यहाँ से, दोबारा बनाएंगे। अरे मान लो और आगे बढ़ो, हर वक्त धौंस क्या दिखाता रहता है ये हमें? जितना चिपकना है चिपक अपनी दूसरी बीवी से, हमें क्या? रोड़िया खाते समय तुम हमारे मूड की मम्मी और सिस्टर तो करो मत। देखो यहाँ आ गए ना, हो पैसे भी मिल जाएंगे, फिल्म भी बन जाएगी, हम लोग सुपरस्टार भी बन जाएंगे। अब जिसको जलना है जलता रहे, हम क्या करें? बताओ, मूड ना खराब कर, मूड ठीक ठाक रख लो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो कुछ सामान चाहिए था हमें। जो चाहिए किचन से ले लो। ठीक है। आपके यहाँ चिया सीड्स नहीं है क्या? क्या नहीं है? चिया सीड्स। वो क्या होता है? वो एक्चुअली हम सादा पानी नहीं पीते हैं, उसमें थोड़ी सी चिया सीड्स डाल देते हैं, बॉडी के लिए हेल्दी होती है और स्किन के लिए अच्छी होती है। कोई बात नहीं, मंगवा लीजिएगा। हम क्यों मंगवाएं? अरे पूरा नींबू और पुदीना ऐसे ही डाल दिया पानी में, अरे सड़ जाएगा। जी भाभी ऐसे ही डालते हैं, इसे ना डिटॉक्स वाटर कहते हैं। कौन सा वाटर? हाँ डिटॉक्स, वो ये सब हमने मुंबई में सीखा है। मुंबई में सब बहुत अलग है, यहाँ लखनऊ के जैसे नहीं कि सारी औरतें कोल्हू के बैल के जैसे पिसती रहती हैं, ध्यान ही नहीं देती अपने ऊपर। मसूर की दाल बनाते बनाते शकल खुद कब मसूर की दाल जैसी हो जाती है पता ही नहीं चलता है।
तो वहाँ मुंबई में वहाँ ये सब नहीं होता क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप किसी को भी देख लो, कटरीना, करीना, दीपिका, लगता ही नहीं उन्हें देखे कि शादीशुदा उम्र की हैं, क्योंकि ध्यान देती हैं वो अपने ऊपर, मेहनत करती हैं अपने ऊपर, फिट रहती हैं और हमेशा चमकती रहती हैं। यहाँ के औरतों की तरह नहीं कि मुश्किल से 30-35 साल की हैं और लगती 50 साल की हैं। दीदी आप प्लीज चिया सीड्स मंगवाएंगी ना, तो एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट भी मंगवा लीजिएगा, एवोकाडो और कुछ एक्सोटिक वेजीज भी मंगवा दीजिएगा। आवा कद्दू? आवा कद्दू नहीं भाभी, एवोकाडो। ओह, बॉडी अंदर से हेल्दी रहती है तो स्किन साफ दिखती है, पिंपल्स भी नहीं होते, स्किन ग्लो करती है और उम्र भी कम ही लगती है, ज्यादा नहीं। लिख के दे दो, देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।